हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। बच्चों, कल मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया था जिस लिंक में आपको सेल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बहुत कुछ बताया गया। तो उन चीज़ों को तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग, वो लेक्चर दी बेस्ट था। मुझे नहीं लगता कि मैं उस लेक्चर के बराबर या उससे बेटर आपको यहाँ पर कुछ बता पाऊँगा। तो वो काफ़ी डिटेल थी सेल के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। जिसे थोड़ा बहुत डाउट होगा उस लेक्चर को प्लीज़ दोबारा देखें, और कोई पर्टिकुलर अगर किसी पॉइंट को लेके डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट लेक्चर। मैं उस लेक्चर के एक स्टेप आगे चलता हुआ आज कुछ चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे अगर इस चैप्टर को हम आज एंड कर पाएँ तो। आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ, दोज आर व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, व्हाट इज़ ईएमएफ, व्हाट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि इन चीज़ों के बारे में आपने जो मैंने लिंक शेयर किया था उसमें भी थोड़ा बहुत आपको हिंट मिला होगा, फिर भी मैं अपने तरीके से जो कुछ मुझे ज़रूरी लगता है आप लोगों को बताना चाहिए वो यहाँ पर शेयर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेक हेयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बच्चों, आपने लास्ट लेक्चर जो मैंने डायरेक्टली लिंक शेयर किया था उसमें आपने समझा होगा सेल क्या होता है। सेल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन विच एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया था कि किस तरह से हम सेल में एनर्जी को स्टोर करते हैं। सो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं। बहुत डिटेल है, उतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। सिंपल थिंग मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, सेल क्या होता है। सेल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन विच एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। उस सेल को जब हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो सेल क्या करता है, वो सेल चार्जेस को ड्राइव करता है, यानी उस सेल से चार्जेस बहना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड व्हाट इज़ द इसे चार्जेस के बहने को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड करंट। चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब सर्किट में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। जैसे ही वो करंट वापिस सेल से होता हुआ पास होता है, सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उस करंट को फ्लो करने से रोकने की कोशिश करते हैं। दैट रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमने क्या बोला, देयर इज़ अ सेल, लेट दिस इज़ अ सेल। इस सेल को जब मैं किसी सर्किट में कनेक्ट करता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का कोई एक सर्किट है, जैसे ही सेल को हम किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे, इस सेल से ये सेल क्या करता है, चार्जेस को ड्राइव करना स्टार्ट करता है, यानी इस सेल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा वो करंट वापस इस सेल में इस डायरेक्शन में कुछ आता है, तो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड दिस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। सो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन सर्किट, इट ड्राइव्स चार्ज इन द सर्किट, दैट इज इसका मतलब क्या है, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट एंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू
थ्रू द सेल, जब करंट सेल में से पास होगा, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सेल, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, हाउ कैन यू डिफाइन इट? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज द, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सेल। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सेल इज टर्म्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। Denoted by small r, denoted by small r। जब सेल नया होता है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, पर जैसे जैसे हम सेल को यूज़ करते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इंक्रीजेस। तो टाइम के साथ इसका क्या वेरिएशन है? विद टाइम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो विद पैसेज ऑफ टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। प्लीज नोट डाउन करें सो दैट वी कैन मूव टू the EMF and terminal potential difference of a cell। छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको समझ लें। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, जिसको डिटेल जाननी है वो दोबारा मुझे बोले, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। इतनी डिटेल में आप बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़ें, चीज़ों को समझें। यहाँ पे जितना ज़रूरी है मैं आपको उतना ही बताऊँगा, क्योंकि अदरवाइज़ फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, अपलोडिंग में दिक्कत आती है, और फिर बच्चे भी इतना लंबा लेक्चर शायद देखते नहीं हैं। सो नेक्स्ट इज़ EMF ऑफ सेल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EMF? फुल फॉर्म ऑफ EMF इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज़ EMF ऑफ अ सेल? बहुत आसान शब्दों में समझें, ये हमारे पास कोई सेल है, दिस इज़ अ सेल। इसके टर्मिनल्स होंगे, सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, सेल में दो टर्मिनल्स बने होते हैं। जैसे आप गाड़ी की बैटरी देख लेना सेल को समझने के लिए, हालांकि वो बैटरी है, सेल नहीं है। सेल इज़ अ डिफरेंट थिंग, बैटरी इज़ अ डिफरेंट थिंग। सेल से मिलके एक बैटरी बनती है, पर समझने के लिए सेल में दो टर्मिनल होते हैं। गाड़ी में बैटरी देखना, उसमें दो टर्मिनल होते हैं जहाँ से हम दो तारे कनेक्ट करते हैं फर्दर। सो ये दो टर्मिनल में, इन दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ कॉल्ड EMF ऑफ सेल। अभी ये सेल किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं है, अभी ये सेल किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं है। इस टाइम पे अगर मैं इन टर्मिनल्स के बीच में वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करूं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ कॉल्ड EMF ऑफ सेल। बहुत आसान,
कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, डिनोटेड बाय कैपिटल वी। सो व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल? ईएमएफ ऑफ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब यही है कि सेल अभी किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं है, ओपन है, किसी भी सर्किट में हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है। सो व्हाट इज़ ईएमएफ ऑफ सेल? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल, डिनोटेड बाय कैपिटल वी। सो सेल में ये जो ये चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं टर्मिनल्स। जिनको नहीं पता वो डायग्राम बना के नोट डाउन कर लेना। एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तो ये भी ध्यान रखना है। एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एंड दीज आर कॉल्ड टर्मिनल्स। और हम किसी सर्किट में सेल को कैसे दिखाएंगे? अब मैं वहाँ पे ऐसे एक डब्बा नहीं बनाऊँगा सेल दिखाने के लिए, हम वहाँ पे डायरेक्टली, ये भी ध्यान रखिएगा, सेल को हम इस सिंबल से किसी सर्किट में दिखाएंगे। दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। ये जो लंबे वाली लाइन होगी दिस डिनोट्स पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो छोटे वाली लाइन है दिस विल डिनोट नेगेटिव टर्मिनल। सो अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहें सिंबल इसका, तो आप सिंबल दिखा सकते हैं। सिंबल कुछ ऐसा होगा, अगर कहीं पे ऐसा साइन लगा होगा तो समझ जाना दिस इज अ सेल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये मैंने आपको बता दिया सेल को कैसे डिनोट करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट ई एम एफ ऑफ सेल, एंड ई एम एफ ऑफ सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द सर्किट। सो आप ये चीज़ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें अपने पास पॉइंट, दैट ई एम एफ ऑफ सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज लिखो या फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ये भी एक पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट कमिंग टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल? प्लीज़ नोट डाउन करें जल्दी जल्दी से, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल? कमिंग टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल? बिल्कुल कंपेयर भी कीजिएगा ईएमएफ के साथ, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट, इन अ क्लोज्ड सर्किट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। अभी तक हमने पढ़ा ईएमएफ में सेल किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं था, उस टाइम पे इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड ईएमएफ। पर अगर मैं इस सेल को ये इसके टर्मिनल्स पॉजिटिव, ये इसका टर्मिनल नेगेटिव, अगर मैं इस सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दूँ तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें इन दो टर्मिनल्स के बीच में मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और क्लोज सर्किट का मतलब यही है कि ये सेल किसी न किसी सर्किट में कनेक्टेड है और सर्किट हमारा पूरा क्लोज है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड सर्किट। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे वन मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस PD मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज less than this EMF of cell। यानी अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो हमने क्या बोला, that this E is always less than this EMF of cell। रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो सर्किट में अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब सर्किट है ही नहीं तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, यानी इस टाइम पे कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक हाई वैल्यू होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेल सर्किट में कनेक्टेड है, अगर सर्किट में कनेक्टेड है तो करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के अक्रॉस मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कम होगा इस वैल्यू से जो हमें यहाँ पे मिल रहा था। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा दिमाग में, दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ सेल। इसे हम अभी एक डेरिवेशन करते हैं वहाँ पे भी यूज़ करेंगे, तो मैंने ये पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वन मार्क्स के लिए आपसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कोई रीज़न पूछे तो आप रीज़न बता सकते हो, यहाँ पर कोई सर्किट नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं है तो जो वैल्यू मिलेगी वो हाई वैल्यू होगी। यहाँ पे देखें तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, वैल्यू कुछ कम होगी, एक यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ कम हो जाती है, दैट लेस वैल्यू इज़ कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज़ द होल सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। सो प्लीज़ नोट डाउन, अच्छे से समझ लें, कोई दिक्कत है तो पूछ लें। कमिंग टू इंटरनल एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, बच्चों जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं लूँगा, बट दैट टीचर इज़ द आई थिंक मैं ये बोल सकता हूँ द बेस्ट टीचर ऑफ फिज़िक्स। तो अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है, आपको कभी लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ओपनली आई एम स्पीकिंग, यू कैन प्रेफर दैट चैनल एनी टाइम एनी वेयर, उनसे बेटर अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता आपको कोई और समझा पाएगा। तो ये चीज़ आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखा कीजिए, कुछ चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है तो उन चीज़ों को यूटिलाइज कीजिए जितने अच्छे से आप कर सकते हैं। सो वी आर कमिंग टू एक्सप्रेशन, और जो नया बच्चा कोई देख रहा हो जिसे लग रहा हो कि कौन से लिंक की बात की जा रही है, तो उस बच्चे को मैं बताना चाहूँगा कि मुझे मैसेज कर दे, मेल कर दे, कमेंट कर दे, उसको भी वो लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की किसी भी सेल के लिए। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ सेल, अब देखिए सेल को मैं बिल्कुल ऐसे ही दिखाने वाला हूँ तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाएं, ऑन डिमांड सर आप डायग्राम बहुत छोटे बनाते हो पता ही नहीं चलता, ओके थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। सो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल, let this cell is connected in the circuit and there is another resistance R, let there is a key K, let इस cell के across हमने
एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर क्यों कनेक्ट किया? सो दैट वी कैन मेज़र द EMF ऑफ दिस सेल। इस सेल के अक्रॉस ये जो वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस सेल में कितना EMF है वो हमें कैलकुलेट करके या वो रीडिंग हमें यहाँ से मिल जाती है। तो करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान रखिएगा, करंट जब भी हम दिखाते हैं किसी सर्किट में फ़्लो करता हुआ तो ऑलवेज़ हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से फ़्लो करता हुआ दिखाते हैं। तो हमारी कंसिडरेशन पहले क्या है, कंसिडर अ सेल ऑफ इंटरनल, मान लेते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई है। कंसीडर अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई इज कनेक्टेड इन सर्किट हैविंग, उस सर्किट में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, हैविंग रेजिस्टेंस आर। ओके, लेट अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस सेल। सो अगर हम की को क्लोज कर दें तो करंट पूरे सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम पे अगर हमारे पास EMF है V और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है E, तो हमें पता है V विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन E। रीज़न अभी मैं आपको इससे पहले बता चुका। सो इफ़ V इज EMF ऑफ सेल, देन ऑन क्लोजिंग द की, और ये V की वैल्यू हमें कैसे मिली, जब तक सर्किट ओपन था, जब तक सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तब हमें इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग मिली, दैट रीडिंग विल बी ऑफ EMF ऑफ सेल। और जब इसे मैं क्लोज कर दूंगा, की को, उस टाइम पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा पूरे के पूरे सर्किट में। उस टाइम पे इस वोल्ट मीटर में जो हमें रीडिंग मिलेगी, दैट रीडिंग विल बी ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ऑफ EMF ऑफ सेल। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, जब तक सर्किट ओपन है उस टाइम पे जो वैल्यू मिली दैट विल बी EMF। सर्किट क्लोज कर दिया, की को हमने क्लोज कर दिया, उस टाइम पे जो हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर पे वैल्यू मिलेगी, रीडिंग मिलेगी, दैट विल बी ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वी इज EMF ऑफ सेल, देन ऑन क्लोजिंग की दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन EMF ऑफ सेल, दैट इज V। इफ, मान लेते हैं, इफ I करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, मान लेते हैं इफ़ आई करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी इज़ इक्वल टू आई इंटू आर, यही बोलता है। यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू लिखना चाहूँ, आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर, और यहाँ पर सो आई इज़ इक्वल टू V की जगह पर क्या आएगा, सर्किट क्लोज है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें V वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी वैल्यू E। सो V की जगह वी विल राइट E अपॉन में आता है रेजिस्टेंस। सो नेट रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है, नेट रेजिस्टेंस इन सर्किट कितना है, दैट इज एक तो है रेजिस्टेंस R प्लस एक इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर,
दोनों सीरीज़ में हैं। कैसे पता चला दोनों सीरीज़ में हैं? मैंने क्या आपको तरीका बताया था चेक करने का, अगर जितने भी रेजिस्टेंसेस सर्किट में कनेक्टेड हैं अगर सब में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो वो रेजिस्टेंस कैसे होंगे सर्किट में। तो आप यहाँ पे चेक करें, आई करंट यहाँ से इस रेजिस्टेंस से होते हुए आई करंट गया, वापस भी इस सेल से होते हुए आई करंट आया, करंट की वैल्यू सेम। एक आर यहाँ पर है, एक स्मॉल आर हमारे पास यहाँ पर है, दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया, यानी दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, सीरीज़ में हैं। तो देख के कन्फ्यूज़ मत होना कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये देखना वहाँ यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, कितना करंट फ्लो करता है ये क्राइटेरिया है। सो आर प्लस आर यहाँ पे लिख लेना, रीज़न सिंस रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज़, और सीरीज़ के लिए यही फार्मूला था अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किए होंगे। सो ई अपॉन आर प्लस आर। बच्चों अगर मैं यहाँ पे अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखना चाहूँ तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी? हमने बोला है ये किससे कम होगी, ये कम होगी ईएमएफ से, ईएमएफ की वैल्यू से कितनी कम होगी वो यहाँ पे लिखते हैं। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, दैट इज डिनोटेड बाय ई, किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा वी के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसमें से क्या माइनस करें क्योंकि V से छोटा होगा, तो V में से क्या माइनस करें? जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के अक्रॉस हो रहा है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज I इंटू आर। वट इज़ दिस I इंटू आर? I इंटू आर इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस इक्वेशन से भी प्रूव होता है कि E की वैल्यू V में से कुछ माइनस करेंगे यानी V से छोटी ही वैल्यू आएगी। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ सेल। इरेजिंग दिस पार्ट, यहाँ से ये वैल्यू थी हमारे पास E अपॉन R प्लस R, यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू निकालूँ तो इट विल बिकम E प्लस आई आर। सो वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, सो पुटिंग द वैल्यूज हेयर, वी की वैल्यू है ई प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू, आई की वैल्यू है ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। सो दिस इज द इक्वेशन, यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है स्मॉल आर की वैल्यू। यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं वी की वैल्यू अभी ना पुट करें, हम वी को वी ही रहने दें, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दैट इज़ वी इंटू आर प्लस आर इज़ इक्वल टू ई इंटू आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यहाँ से वी आर प्लस वी आर इज़ इक्वल टू ई इंटू आर, यहाँ से वी इंटू स्मॉल आर इज़ इक्वल टू ई आर माइनस वी आर, दोनों से R कॉमन, E माइनस V, और यहाँ से हमें फाइंड करनी थी स्मॉल R की वैल्यू, इट विल बिकम R, V को डिवाइड कर दिया माइनस V अपॉन V, सो R विल बिकम R टाइम E अपॉन V माइनस 1। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर सेल। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को लेके, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। कोशिश करेंगे कल इस चैप्टर को एंड करने का, दो तीन टॉपिक रहते हैं, कुछ ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, तो प्लीज़ अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।